हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ठंड में शरीर को गर्म रखने के उपाय। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में खुश्क हवाओं के चलने से हमारी त्वचा रूखी और फटने लगती है, इसलिए ठंड के मौसम में सेहत के साथ हमारी स्किन को भी कुछ खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। सर्दी में लोग ठंड से बचने के लिए तो कई उपाय करते हैं, लेकिन अपनी स्किन पर ध्यान नहीं देते, जिससे त्वचा की कोमलता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दोस्तों, सर्दियों का इंतजार अधिकतर लोग करते हैं। जितना इंतजार सर्दियों के मौसम का होता है, उतना शायद ही किसी और मौसम का होता होगा। और वैसे भी कहते हैं कि हम सर्दी के मौसम में खुद की जितनी देखभाल करेंगे, उसका उतना ही फायदा हमें गर्मी के मौसम में मिलेगा। दोस्तों, चाहे बात करें सर्दियों में डाइट की या हमारी त्वचा की देखभाल की, इस समय हम जितना खुद पर ध्यान देंगे, ये उतना ही फायदेमंद होगा। वहीं इस समय ठंडी हवाओं से भी खुद की देखभाल जरूरी होती है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों में सर्दियों के मौसम में चेहरे और बॉडी में ड्राइनेस जैसी समस्या देखने को मिलती है। उसका एक कारण सर्द हवाएं भी होती हैं, क्योंकि सर्द हवाएं हमारे चेहरे से नमी छीन लेती हैं। इसी कारण ड्राइनेस जैसी समस्याएं सर्दियों में आम हो जाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनका प्रयोग करके आप सर्दी में अपनी स्किन को कोमल और खूबसूरत बनाए रखेंगे। दोस्तों, ठंड में त्वचा को कोमल बनाए रखने के लिए आप बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बादाम का तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। बेहतर फायदे पाने के लिए आप चाहे तो रात के वक्त तेल लगाकर सो सकते हैं। सुबह उठने पर आप देखेंगे आपकी त्वचा का मॉइस्चर अब भी बरकरार है। साबुन का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप सरसों के उबटन का इस्तेमाल करें। बाजार में बिकने वाले स्क्रब के स्थान पर चीनी के स्क्रब का आप इस्तेमाल करें। इससे डेड स्किन तो साफ होगी ही, साथ ही आपके चेहरे का मॉइस्चर भी बना रहेगा। दोस्तों, नहाने के बाद हल्के हाथों से तौलिए का इस्तेमाल करें। संभव हो तो नहाने के तुरंत बाद नारियल के तेल से या फिर किसी ऑयली बॉडी लोशन से पूरे शरीर की मसाज करें। ठंड में बुखार और फ्लू से बचना है तो आप तुलसी, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और मुलेठी के काढ़े का प्रयोग करें। इसको पीने से किसी भी तरह के रोगों से बचा जा सकता है। चेहरा धोने के लिए ना तो बहुत अधिक गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ना ही ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। चेहरा धोने के लिए आप नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। फटे होंठ और स्किन को कोमल बनाए रखने के लिए हर रोज सोने से पहले मलाई में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर मसाज करें। त्वचा को नर्म और मुलायम बनाए रखने के लिए मूंग की दाल के पेस्ट में दूध मिलाकर हफ्ते में 2 बार नहाने से पहले लगाएं। इससे आपकी त्वचा नर्म और मुलायम बनी रहेगी। हर रोज नारियल के तेल से मालिश करने से त्वचा में कोमलता और निखार आता है। ग्लिसरील में गुलाब जल और नींबू का रस मिलाकर हर रोज लगाने से त्वचा कोमल बनने के साथ साथ आपकी त्वचा निखरती भी है। दोस्तों, ज्यादातर हम देखते हैं कि सर्दियों के मौसम में लोग बहुत गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, लेकिन वे शायद ये बात नहीं जानते कि ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करने से हमारी स्किन में ड्राइनेस आ जाती है और प्राकृतिक नमी खो जाती है। बहुत गर्म पानी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है और ये हमारे शरीर से नमी को छीन लेता है। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करें। ना ही आप ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें और ना ही ज्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। जब भी आप नहाने जाएं तो अपने पूरे शरीर पर सरसों या फिर जैतून के तेल से अच्छी तरह मालिश करें और उसके बाद ही नहाने जाएं। ये आपके शरीर में नमी बनाए रखेगा और रूखेपन से निजात दिलाएगा। नहाने के बाद आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल जरूर करें। नहाने के तुरंत बाद हल्के गीले शरीर में थोड़ा सा ग्लिसरीन लें और पूरे शरीर पर लगा लें। इससे त्वचा में दिन भर सॉफ्टनेस बनी रहेगी। आप उबटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उबटन के लिए बेसन, मलाई, दूध और शहद को आपस में मिला लें और नहाने से पहले पूरे शरीर पर लगाकर फिर नहाएं। ये आपके शरीर को तरोताजा रखेगा और ड्राइनेस को भी दूर रखेगा। शहद और मलाई, इन दोनों को समान मात्रा में मिलाकर आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके चेहरे में कोमलता लाएगा, साथ ही ग्लो के लिए भी ये अच्छा फेस पैक है। ठंड के मौसम में हम बहुत कम पानी पीते हैं, जिसके कारण डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। इसलिए ठंड के मौसम में आप पानी का प्रयोग जरूर करें। फ्रूट्स आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये आपको एनर्जी तो देते ही हैं, साथ ही मौसमी फलों का सेवन करना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए मौसम में जो भी फल आए, आप उनका सेवन जरूर करें। ग्लिसरीन और नींबू दोनों को समान मात्रा में मिलाकर
रात को सोने से पहले लगाएं। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिनको आजमाने से आप अपनी सेहत का और त्वचा का दोनों का ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।